रानी का संदेश सुनकर राजा महल में आता है तो रानी को कोप भवन में देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है। रानी के पास जाता है तो उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर क्या पूछता है और रानी रूप कंवर पर दोष लगाती हुई क्या बताती है। हो क्यों करा रंग मैं भांग अंग तेरे बेढंग क्यों से रानी हो तेरा रूप कंवारे बदमाश लूट गया मेरी रतन जवानी हो क्यों रंग मैं भांग अंग तेरे बेढंग क्यों से रानी हाँ बता देन बात गात हाथ पा क्यों फूट रहे लौट दिए बाल लाल गाल लहू छूट रहे बाकी कौन तन में मन में भबुले से उठ रहे पड़े ये सिंगार हार गड़ के मोती टूट रहे हाँ पड़े ये सिंगार हार गड़ के मोती टूट रहे ओ तू धीरज कर के बता भरा क्यों आँख्या के माँ पानी हो क्यों करा से रंग मैं भांग अंग तेरे बेढंग क्यों से रानी कहता है राजा कि रानी मेरा रूप कंवर तो ऐसा नहीं हो सकता वो तो बड़ा नादान बच्चा है और बड़ा छील स्वभाव है क्या कहता है। हाँ मैं जानू था सादा भोला वो ओला सोला कर गया काम सर में गिरी खाक पाग साथ खुदी सारे आम देखा नहीं जाता रानी छिल रहा कोमल चाम किससे कहूँ साहू राहू काल जेन बैठी ताम किससे कहूँ राहू साहू काल जेन बैठी ताम ओ कर सबर जबर पड़े खबर खत्म कर तू उसकी जिंदगानी हो क्यों करा से रंग मैं भांग अंग तेरे बेढंग क्यों से रानी कहता है राजा कि रानी ये तो यहाँ सारी दासी बांदियाँ तेरे पास में थी अगर उसने ऐसी हरकत करी थी तो तुमने इनको क्यों नहीं बुला लिया तो रानी क्या जवाब देती है ये दासी थारी सारी प्यारी रुका दे बुलवाई क्यों ना नीचे लाई गेर फेर मेरी पार बसाई को ना जब वो बोला रोला हुआ ये आप भाग के आई क्यों ना मान जाने के कर गया मेरी को ना दे है सतमानी हो क्यों करा रंग मैं भांग अंग तेरे बेढंग क्यों से रानी
की रानी, अगर वो ऐसी बदतमीजी करके गया है तो कल उसको नतीजा दे दूंगा। हाँ होवन दे ने, होवन दे सबेरा तेरा बेरा सबने पाट जागा। अरे ना कबूल रूल वो तेरे ते नाट जागा। गवाही दे दासी खासी मंत्री न्याय छाट जागा। तू से उसका बाप आपके उसकी गर्दन काट जागा। तू से उसका बाप आपके उसकी श्री राम रतन कर जतन पतन या घर में नरक गिलानी हो क्यों करारंग में भांग अंग तेरे बेढंग क्यों सैरानी हो।